गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी कि स्टडी टेबल थोड़ी सी मेसी हो रही है। सॉरी, उठ चुके हैं सो के। क्या कर रहे हो बेबी आप? क्या है? गजक है, गजक। बेटा वो सील गई, बिल्कुल सील गई। सॉरी, ऐसी चीज़ें निकाल के डालता रहता है। चॉकलेट के बिस्किट खुले पड़े हैं, आलू भुजिया बिस्किट, नमकीन खुली पड़ी है, लाई। हाँ, टूटी टूटी नहीं, आपने तोड़ी तोड़ी थी। कम डॉक्टर आंटी छोटा छोटा बोलिया, डॉक्टर ने इसे बोला था छोटा छोटा खिलाना एंड मेरे रूम पे ध्यान मत देना, ठीक है ना? थोड़ा सा मेसी हो रहा है, मैं भी ऑर्गेनाइज करूँगी। अभी यहाँ हुई है बारिश, अभी काफ़ी ठंडा हो गया है, तो मैंने एक ये मैं नॉर्मल खाली जैकेट पहनी थी, लेकिन अब मैंने ये थोड़ा वूलन टॉप पहन लिया है। एंड शौर्य सो के उठ गया, लेकिन आधे कपड़े उसने चेंज किए, अभी कपड़े नहीं चेंज किए। खा लो बेटा, खा लो, आप इन्हें भी तोड़ के डालते हैं। हाँ, तो आज मैंने कुछ खाने पीने की प्रिपरेशन कर रखी है। आज मैंने सूप बनाया है, थोड़ा सा रह गया है, मैंने वीडियो के लिए भी बनाया है, आप लोगों के लिए भी। और उसके साथ साथ मैंने ढोकला बनाना है इस डिनर में। एंड मौसम इतना अच्छा हो गया है, तो गर्मा गर्म ढोकला विद गर्मा गर्म सूप, तो आज मज़े का होने वाला है डिनर। तो सूप पे बस मुझे थोड़ा सा उसे पकाना है। एंड ढोकला मैंने फर्मेंट करने रखा हुआ था, क्योंकि सर्दी का टाइम है, इतनी जल्दी फर्मेंट नहीं होगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा फर्मेंट करने छोड़ देते हैं। तो अब मैं सोची उसको कंप्लीट कर लेती हूँ वहाँ के वीडियो के लिए भी, और आप लोग को भी दिखाती हूँ। बाकी पूरी क्लिप भी मैं इसी में डाल दूँगी, मतलब मैंने दोनों चीज़ें कैसे बनाई है वो भी मैं आप लोग के साथ पूरी शेयर कर दूँगी। एंड कुकिंग करने के साथ साथ मैं ईटिंग व्लॉग भी दिखा दूँगी। कुछ मींस बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग इतना प्यार देते हो ना मुझे कि दीदी ये दिखाओ, दीदी वो दिखाओ, तो बहुत अच्छा लगता है सच्ची। जब मैं कुकिंग नहीं करती थी तो दीदी कुकिंग दिखाओ, चलो जी कुकिंग दिखा दी दीदी, और कुकिंग के बाद खाते हुए भी तो दिखाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, खाते हुए भी दिखा देंगे, ऐसी क्या बात है। एंड अभी मैंने कल ही एक वीडियो शूट की थी, उसमें आपने देखा ही होगा शौर्य की मस्ती, तो इसी तरह से मस्ती चलती रहती है, चाहे खाना पीना हो चाहे कुछ हो। तो आज भी देखते हैं ये हमें कितना परेशान करेगा। एंड संदीप की आज तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उनको कुछ पेट में गड़बड़ हो गया था, तो वो छुट्टी पे थे, बट थोड़ा बेटर फील किया, तो उन्होंने कहा चलो छुट्टी लिए तो थोड़ा सा मैं प्लॉट पे भी हो आता हूं, तो वो बस अभी थोड़ा प्लॉट पे गए हुए हैं। एंड बारिश हो गई है, तो वो आएंगे कैसे, आई थिंक थोड़ा लेट हो जाएगा उन्हें। तो मैं आपको मिलती हूँ सीधे किचन में। पहले थोड़ा बाहर का मौसम दिखा देती हूँ मैं आपको। आप बताओ क्या है ये ऊपर? ब्लू स्काई। यस, अभी बस अंधेरा होने वाला है, बारिश थोड़ी सी हुई थी शायद, हवा हरी ठंडी ठंडी। बेटा स्कूल कपड़ा उतारो चलो। हाँ, सो ये ढोकला का मिक्सचर मैंने फर्मेंट होने छोड़ दिया था, एंड ये मैंने एक टिन लिया है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया। ये वो जो स्टैंड आता है ढोकला और इडली वाला, ये उसी का टिन है। तो मैं सबसे लास्ट में इसमें इनो डाल दूँगी, एंड बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले वो आप बोलो ऐप पे जाके चेक कर लीजिएगा कि पूरी डिटेल रेसिपी क्या है। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मैंने यहाँ लिया था एक कटोरी बेसन, दो चम्मच सूजी, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक, चुटकी भर खाना सोडा और एक बड़ी चम्मच रिफाइंड, ये सब लेके मैंने मिक्सर बनाया था। हाँ, 3 से 4 चम्मच दही और ली थी, तो ये मैंने मिक्सर इसमें डाल दिया है। एंड इस तरह से टैप कर रही हूँ कि जो भी एक्सेस बबल्स हो वो निकल जाए एंड ये अच्छे से फूल जाए। तड़के में मैंने यहाँ डाला है राई, हरी मिर्च, करी पत्ता, चीनी और नींबू। इसका एक पूरा ये पानी एक घोल बना लूँगी जब तड़का। इस तरह से मैंने इसे कट करके प्रेजेंट किया है, क्योंकि मुझे वहाँ के लिए एक अच्छा ब्यूटीफुल सा थंबनेल चाहिए। एंड मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा इस तरह से थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने में। तो इस तरह से कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर से तड़का डाला है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो हमने अलग रख दिए थे, क्योंकि वो कटिंग वगैरह इसमें अच्छे नहीं लगते, उसके ऊपर मैंने फिर से तड़का डाल दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बस ये थोड़ा सा पतला रह गया, क्योंकि मैंने बहुत थिक लेयर नहीं डाली थी। तो ये तैयार है हमारा होममेड ढोकला। चलिए अब सूप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, गाजर, पालक और एक चुकंदर को धो के काट लिया। अब इन सब चीज़ों को मैं कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, अदरवाइज ये बहुत पतला हो जाएगा। ये उबल चुका है, अब मैं इसको एक हैंड ब्लाइंडर की मदद से ब्लेंड कर दूँगी। एंड उसके बाद जो गाढ़ा सा पेस्ट आएगा उसको मैं स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करूँगी, मीन्स मोटा मोटा पल्प मैं निकाल लूँगी। एंड उसके बाद जो जूस बचेगा वो होगा आपका पौष्टिक वाला जूस। तो ये पल्प मैं इस हेल्प
इस तरह से निकाल लूँगी। उसके बाद जब ये सारा जूस निकल जाएगा उसको मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा पकाऊँगी थोड़ा सा मसाला डाल के। इसका टेस्ट नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली हेल्दी चीज़ों का टेस्ट उतना नहीं अच्छा लगता है, बट अगर किसी को खून की कमी है या किसी की आईसाइट वीक है उनके लिए ये वाला जो वेजिटेबल सूप है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। या मैं आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और आधी चम्मच नमक, बट मुझे बाद में थोड़ा सा फीका लगता है तो मैं इसमें ऊपर से थोड़ा नमक और डाल लेती हूँ। एंड सबसे लास्ट में इसके ऊपर डलेगा सर्विंग के टाइम पे मक्खन एंड फ्राई की हुई ब्रेड। कैसे इतना उधम बेटा, कम कम हाँ बेटा, पापा पिट्टू करेंगे, क्यों करेंगे सॉरी की पिट्टू पापा आप नहीं खोल पाओगे आप ही मम्मा ओपन करें। संदीप आ गए, उनको मैंने क्या सूप दे दिया और ढोकला भी खा लिया, उन्हें भूख लग रही थी, मैंने इमीडिएटली दे दिया और मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई। मैंने भी ढोकला खा लिया, सूप रह गया, मेरा पेट बहुत भर गया है तो मैं सूप रात को पीऊंगी। अभी 8 बजे मैं 9-10 बजे पी लूंगी। एंड संदीप को होपफुली सब सही लगा है, अच्छा लगा उन्हें सूप भी। वो कह रहे रेगुलर बनाओ, मैं डाइटिंग करूंगा, मैं ऐसी लाइट लाइट चीज़ें खाया करूंगा, वेट लॉस करना है तो जब जब मौका पड़ेगा डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। एंड सीजन का टाइम है तो ये सब वेजिटेबल्स आते हैं। पापा से उतरवाओ, पापा उतार दो जरा इसका। एंड संदीप कर रहे हैं अपना हिसाब, अभी वहाँ से आए ना सब सामान वामान लेके तो हिसाब कर रहे हैं। बड़े खर्चे होते हैं भैया, घर बनाना कोई मजाक नहीं है, आफत आ गई है उनकी तो। सो मैं आई हूँ किचन में नाइट टाइम का बेसिक काम करने, शौर्य का दूध उबालने, सॉरी सूप मैंने अभी नहीं पिया, मैं सोचूँ आप पी लूँ। मैंने ढोकला खा लिया था तो मेरा इस समय मन नहीं कर रहा था, मैंने बस मेरा पेट भर जा रहा था। संदीप के लिए दूध बना रही हूँ, हाँ हाँ संदीप भी दूध पियेंगे, उनके लिए बॉर्नविटा वाला दूध बना रही हूँ। ये है बॉर्नविटा का सेशे, हम लोग ना हर चीज़ से ऐसी बॉर्नविटा कॉफ़ी इन सब का मैं सेशे लेके आती हूँ क्योंकि ना सील जाते हैं, तो ये ऐसे 1 टाइम या 1 to 2 टाइम यूज़ कर लो तो ये कन्वीनियंट है। इसका सेशन है और मेरे पास ये कॉफ़ी के भी मैं सेशे यूज़ करती हूँ, मैं बेस्ट प्राइसेस सेशे लेके आती हूँ तो ख़राब नहीं होते हैं। एंड संदीप को बहुत गर्म दूध चाहिए होता है और मैं उतना ही कम गर्म पीती हूँ, बिल्कुल नाम का गर्म पीती हूँ। कहते हैं मुझे बहुत गर्म करके दो, मैंने 1 मिनट तो किया लेकिन और कर देती हूँ। कम मीठा ज़्यादा गर्म ऐसा होना चाहिए होता है, मेरे को ज़्यादा मीठा कम गर्म, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कल मैंने ज़्यादा मीठा कर दिया था तो उन्होंने रात को वो दूध में चिते दिया था कि तुम फिर करो इसे। एंड घर अभी काफ़ी मैसी है, संदीप ने भी कुछ नहीं समेटा है। ये संदीप का बॉर्नविटा वाला दूध रेडी है एंड मैं दे के आती हूँ और फिर शौर्य का दूध भी बॉईल करूँगी। शौर्य गेट पे तो नहीं है ना, कहाँ चढ़े हुए हो पापा के ऊपर आप? लो पापा अब मैं काफ़ी गर्म करके लाई हूँ और चीनी भी मैंने कम डाली है। होप मैंने 2 मिनट हाँ तो शौर्य का दूध मैंने बॉईल करने रख दिया है एंड इसकी बैग वगैरह बुक्स वगैरह यहाँ पड़ी हैं। आज इसको कोई होमवर्क नहीं मिला है, वैसे तो इतना दुखी करता है होमवर्क करने में, मूड है, मूड होगा तो 5 मिनट में कर लेगा और मूड नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेगा। किसी किसी दिन तो मतलब 3-4 दिन मुझे ये मिलता है होमवर्क, मोर देन होमवर्क टॉर देन, तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आ जाती है। मैंने कहा यार ये लड़का मैं क्या करूँ, मेरे को मतलब पूछो मत, और मूड होगा तो पढ़ना। आज कह रहा है मम्मी संडे पढ़ाओ, तो मैंने संडे मंडे ट्यूसडे लिख दिया, कह रहा नहीं संडे के डॉट बना के दो, मतलब SUNDAY उसको पूरा संडे लिखना था और उसने लिखा भी। आपको दिखाओ, दिखाती हूँ आपको, उल्टा दिख रहा होगा ये रहा संडे और ये एलिफेंट, फिर कह रहा है एलिफेंट लिखना है। मूड है उनका, क्या पढ़ना है वो ही डिसाइड करेंगे। तो मैं अभी कुछ किचन में जब कुकिंग वगैरह कर रही थी तो अपने आप अपनी बुक्स निकाल के अपना पिक्चर्स से पूरा अपना स्टडी कर रहा था। मूड की बात है बच्चों की, जोर ज़बरदस्ती तो चलती रही है और आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं हैं, हम इतने बड़े होके नहीं सुन रहे हैं और ये चूहे चूहे से। तो अभी ना एक्चुअली आई थिंक इनके ना स्कूल में एनुअल डे है या स्पोर्ट्स डे है, परसों है, तो इस
उसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो थोड़ा सा क्लास वर्क इनका कम हो गया है एंड थोड़ा बहुत होमवर्क देती है, आज होमवर्क भी नहीं दिया है। लेकिन आज एक तो इनकी छुट्टियां बहुत हो रही है, मौसम जैसे ही ठंडा होता है नेक्स्ट डे इनकी छुट्टी हो जाती है, तो कल इनकी फाइनल प्रैक्टिस है। मैम ने बोला किसी हाल में छुट्टी मत कराना, तो मैं तो नहीं छुट्टी कराऊंगी, बट बाई चांस सुबह मैसेज आ गया कि डीएम ने छुट्टी कर दी है तो फिर इसकी छुट्टी हो ही जाएगी। बट मैं भी चाहती हूँ ये रोज़ स्कूल जाए, क्योंकि ये 3 घंटा चला जाता है तो इतनी देर मेरा काम हो जाता है, थोड़ा नहा लेती हूँ, कुछ एडिटिंग कर, वो मेरा जो 2-3 घंटे का टाइम होता है ना उसमें मैं मेनली एडिटिंग करती हूँ, मुझे 2-2 चीज़ों के लिए एडिटिंग करनी पड़ती है तो वो मैं शांति से कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे को वॉइस ओवर करना सबसे बड़ा टास्क है। लेकिन उस समय पे मेरी मेड मुझे बहुत परेशान करती है, मैं एडिटिंग करती हूँ, 10 बार वीडियो चलाती हूँ, अपनी वॉइस ओवर डालती हूँ, भाभी ये कर रही हो, भाभी वो कर रही हो, अच्छा ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसे करके वो पूछती रहती है, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। तो 12:30-1 बजे तक शौर्य आ जाता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना यूट्यूब वाला बेसिक काम जो एडिटिंग होता है वो मैं पहले कर लूँ, और बाकी वीडियोस देखनी भी होती है, सीखना भी होता है, अपने जिन कुछ ऐसे हैं व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जिनकी मैं भी रेगुलर वीडियोस देखती आई हूँ तो वो भी मुझे देखनी होती है, उनको भी रिप्लाई देती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो मेरे को भी एक हैबिट है कि जैसे लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं ऐसे मुझे भी कुछ लोगों की वीडियोज़ देखने की आदत है तो वो भी मैं करती हूँ। तो दूध बॉईल करने रखा ही हूँ, संदीप को दूध दे आई हूँ, शौर्य ने अब थोड़ा ढोकला खा लिया था, जस्ट अभी थोड़ी सी राइस खाई है, थोड़े बिस्किट खाए हैं तो अब उसका पेट भर रहा है, दूध भी पी चुका है, अब उसका भी दोनों बाबेटों का डन है। मेरे को सूप लेके जाना है, मैं बस रात को अपना सूप पीऊँगी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, उधर मेरे छाला हो रहा है मुँह में, 2-2 छाले हो रहे हैं तो मुझे खाने पीने में दिक्कत भी बहुत हो रही है। तो फ्रेंड्स करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, अपने सजेशंस एंड कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। टिल देन बाय।